माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube Facebook चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट विषय में चर्चा कर रहा हूँ। एक गोचर होने जा रहा है राहु केतु का गोचर, 18 साल बाद ये गोचर होने जा रहा है और 30 अक्टूबर 2023 को ये गोचर होगा। और इस गोचर से मकर राशि पे क्या प्रभाव चलेगा, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। हालांकि मकर राशि की शनि की 7.5 चल रही है और ये गोचर आपका भविष्य तय करने वाला है, यानी कि आपको बेस्ट रिजल्ट अब मिलेगा या नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, या शनि आपको 2.5 साल और ज़्यादा परेशान करेंगे, या कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि आंधी तूफान जबरदस्त बारिश चल रही है, गर्मी चल रही है, उसमें आपको छाते का की राहत मिलेगी, ये इस गोचर से पता चलेगा। तो इस गोचर में देखा जाए तो मकर राशि की ये कुंडली है, मकर राशि की कुंडली के अनुसार राहु का जो ट्रांजिट है, राहु मेष राशि से यानी आपके चतुर्थ भाव से निकलकर आप तृतीय भाव में चले जाएंगे, यानी यहाँ पर पावरफुल राहु हो जाएंगे, पॉजिटिव राहु हो जाएंगे। वहीं केतु भी देखा जाए तो आपके कुंडली के अनुसार जहाँ 7 लगा है यानी तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में आ जाएंगे, नवम भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो केतु भी देखा जाए तो पॉजिटिव ही है, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि केतु से ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर राहु है, यानी तृतीय में राहु मोस्ट पावरफुल ग्रह हो जाता है, तृतीय में शनि मोस्ट पावरफुल ग्रह हो जाता है, यानी कि देखा जाए तृतीय में तामसिक क्रूर ग्रह ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अब ऐसे में देखा जाए तो मकर राशि को क्या रिजल्ट मिलने वाला है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, राहु का जो तीसरा गोचर है वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, यानी हेल्थ में आपके सुधार आने वाला है, जो बीमारियां हैं उसमें आपको राहत मिलने वाली है। साथ ही साथ रिलेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, जो बिगड़े हुए रिलेशन है भाई बहन से, माता पिता से, दोस्तों से, वो रिलेशन में भी आपके सुधार आएंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो राहु तृतीय भाव में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी योग हैं। यहाँ पर मकर राशि को ध्यान देना है, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग नजर आएगा, यानी यहाँ पर जो शादीशुदा है, जो किसी रिलेशन में एंगेज है, उनकी कठोर तपस्या 18 महीने होने वाली है कि वो करैक्टर से कितने स्ट्रांग है। जैसे कहते हैं ना कि विश्वामित्र की मेनिका ने तपस्या भंग की थी, ऐसी आपकी तपस्या को भंग करने के लिए राहु देव किसी न किसी को भेजेंगे। साथ ही धन पद कारोबार के लिए तृतीय का राहु बड़ा पॉजिटिव है, यानी धन की स्थिति मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन तृतीय भाव में आपकी स्थिति इतनी हो जाएगी कि आप खुले खर्चे कर सकते हैं और आपकी फाइनेंस की स्थिति ठीक ठाक रहेगी। पद और कारोबार भी यहाँ पर आपका ठीक ही चलेगा, यानी पद प्रमोशन आपकी देखी जाए या धन की इंक्रीमेंट 18 महीने में देखी जाए ठीक ठाक ही होगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक होगी। अब केतु का ट्रांजिट देख लेते हैं। तो जो केतु का ट्रांजिट भी 30 अक्टूबर को ही हो रहा है, यानी राहु का तो हो ही रहा है, केतु का ट्रांजिट आपके नवम भाव में हो रहा है, यानी नवम जहाँ लिखा है नवम भाव में, जहाँ 6 नंबर लिखा है यहाँ आपका ट्रांजिट हो रहा है, यानी देखा जाए तो ये ट्रांजिट आपको आध्यात्मिक बनाने वाला है, यानी आप कोई गुरु बनाने वाले हैं, या तंत्र मंत्र में आपकी रुचि बढ़ जाएगी, खूब मंदिर के दर्शन करने वाले, तो यहाँ पर आध्यात्मिक परिवर्तन आएगा और आपको कुछ इंट्यूशन भी आएगी, यानी कि इंट्यूशन का मतलब थोड़ा सा आपको आभास होने लगेगा, लोगों के बारे में आप बताने लगेंगे, ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, मृत्यु क्या है, दार्शनिक चीज़ें, वेदों में आपका अचानक इंटरेस्ट जागने लग जाएगा, आप वो किताबें पढ़ने लग जाएंगे और खूब पढ़ने वाले हैं। तो कुल मिला के आध्यात्मिक आपके अंदर बड़ा परिवर्तन आएगा, ये केतु के ट्रांजिट से प्रभाव होगा। तो कुल मिला के तृतीय भाव में राहु जो आपके लिए पॉजिटिव है, यानी कि जो 7.5 है उसमें जो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कुछ रिजल्ट हद तक आपको मिलने लगेगा। मैंने पहले ही बता दिया राहु में तृतीय में राहु मध्यम रहेगा, बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा फलदायक है, लेकिन इतना है कि आपके खर्चे चलते रहेंगे, आपका इंक्रीमेंट भी बढ़िया रहेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, जय माता दी। हेलो
हेलो जय माता दी, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए। अनुराग जैन जी। जी अनुराग जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 24 नवंबर 1979। 24 नवंबर 1979। टाइम बताइए। 3:30 PM। मुझे मुजफ्फरनगर यूपी। हैं 3:30 PM। अच्छा जी, रुकिए रुकिए एक मिनट। 3:30 PM। हाँ जी सर। जी जी मैं निकाल रहा हूँ जी। क्या जानना चाहते हैं बताइए। सर मैं अपने पारिवारिक जीवन के बारे में जानना चाहता हूँ। पारिवारिक जीवन के बारे में क्या जानना चाहते हैं बताइए। सर मेरी मैरिड लाइफ सेटल नहीं हो पा रही है। जी 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 देखिए, आपकी कुंडली आपने मुझे नहीं पता दिखाई कि नहीं दिखाई। बहुत बार क्या होता है कि कुंडली में बहुत ज़्यादा समस्याएं आने लगती है, जीवन में आने लगती है, तब हम कहीं पर जाते हैं, आप परेशानी बताते हैं। परेशानी बताने के बाद वो भी एक और परेशानी बता देते हैं कि आपकी कुंडली में तो ये दोष बन रहे हैं, तो हम और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ना। अब क्या है कि आदमी के साथ में ये दिक्कत है, जैसे आपकी कुंडली है, आप कुंडली के अंदर दो दोष आपकी कुंडली में बन रहे हैं। दो दोष आपके पारिवारिक या धन के जीवन को बढ़िया नहीं करेंगे। जैसे आपकी कुंडली में गुरु चंडाल दोष बन रहा है, आपकी कुंडली में अंगारक दोष बन रहा है। दो दोष जब भी महाराज किसी भी कुंडली में बनते हैं ना, तो उनको पारिवारिक सुख या आर्थिक सुख नहीं मिल पाते हैं बहुत अच्छे। तो आपकी कुंडली में भी कुछ ऐसा ही है। अब मैं आपको उपाय करने को कहूँगा तो आप कहोगे कि वैसे ही मैं परेशानी में चल रहा हूँ और गुरु जी ने और स्पेशल मुझे 2000 प्रोजेक्ट धर दिए। तो ये कि पहले ही अगर आप कुंडली दिखा लेते, पहले ही करा लेते ना, तो शायद ये परिस्थिति बदल जाती है। अभी तो क्या है कि आपको उपाय करने पड़ेंगे महाराज। उपाय उपाय मैं बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि जब आपकी कुंडली में दो दोष होते हैं तो राजयोग आपके एक्टिवेट नहीं होते। तो ऐसे में क्या होता है कि राजयोग एक्टिवेट नहीं होंगे तो हम जीवन भर परेशान रहेंगे। कभी हम धन से परेशान रहेंगे, कभी हमारा पैसा कोई लेके डूब जाएगा, कभी हमारा परिवार से दिक्कत होने लगेगी, ठीक है, और कभी हम मानसिक रूप से डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, समझ ही नहीं आएगा क्यों क्या हो गया। मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं अच्छी जगह पे हूँ, बहुत से लोग विदेशों में रहते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, लेकिन वो परेशानी रहते हैं। परेशान इसलिए रहते हैं कि हमारे जो प्रारब्ध के जो पाप हैं वो हमें परेशान करते हैं, इस मनुष्य को परेशान करते हैं, इस जीव को परेशान करते हैं। ऐसी स्थिति में पता क्या करना चाहिए हमें, हमें पहला चीज हमें क्या करना है कि हमको 15 गुरुवार को पीपल के पेड़ लगाने हैं जी। 15 गुरुवार कंटिन्यू। हाँ, 15 गुरुवार को पीपल के पेड़ आप लगाएं। दूसरी चीज, आपकी कुंडली के अनुसार जो आपकी मैरिड लाइफ की जो समस्या चल रही है उसके लिए ना एक त्रिपुर भैरवी पूजन होता है, वो आप करवा लें किसी विद्वान ब्राह्मण से जी। त्रिपुर भैरवी पूजन होता है, उसको करवाना पड़ेगा आपको। अगर आप कराने त्रिपुर भैरवी। हाँ, त्रिपुर भैरवी जी सर। ठीक है जी, दो चीजें कर ले तो आपको स्थिति में काफी बदलाव आएगा। ठीक है सर जी। तो शादीशुदा जीवन आपका ठीक नहीं चल रहा है, समस्याएं आ रही हैं, तो क्यों आ रही हैं, क्या कुछ उपाय करने हैं। दो दोष आपकी कुंडली में बने हुए हैं और दर्शकों यहाँ पर बहुत बार गुरुजी ने कहा है कि जब आपकी कुंडली में दो दोष बने हुए हैं तो जीवन में समस्याएं तो चलेंगी ही, तो आप अपने उन दोषों का निवारण कीजिए। और निवारण किस तरह से कर सकते हैं इस बारे में अगर आप जानकारी पाना चाहते हैं तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करें, बात करें, समस्या बताएं और समाधान पाएं। कार्यक्रम के माध्यम से आपकी तमाम समस्याओं का समाधान आप तक जरूर पहुंचाया जाएगा। गुरु जी, जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में बात की कि जिन लोगों की ससुराल पक्ष या मायके पक्ष में नहीं बन पाती, आपने बताया कि किन कारणों से नहीं बन पाती, मैं चाहूंगी कि उन दर्शकों को आप उपाय भी जरूर बताएं। देखिए, अगर क्रिटिकल सिचुएशन अगर आपके साथ में चल रही है तो अपनी कुंडली ही दिखाएं, मैं दर्शकों को सही बताऊंगा। बाकी अगर नॉर्मल प्रॉब्लम चल रही है तो मैं उपाय बताता हूँ। सबसे अच्छा यही है कि आप उपाय कर ले। उपाय में पहला तो एक मंत्र की साधना बताऊंगा, ओम क्रीम नमः। ये मंत्र की एक माला आपको डेली जाप करनी है। अगर आपका राहु खराब है कुंडली के अनुसार, या राहु आपकी कुंडली में जैसा मैंने बताया द्वितीय स्थान में बैठ जाता है, चतुर्थ में, सप्तम में, ये भाग्य स्थान में बैठता है, जो कि आज कॉलर भी मिला, केस भी मिले,
की इस तरह के, तो इस तरह की अगर कुंडली में अगर आपके दोष बन रहे हैं तो आप इसका रेमेडी करें। सबसे पहला ओम क्रीम नमः ये मंत्र की अपनी एक माला जाप करें, अपनी नित्य पूजा में इसको सम्मिलित करें। दूसरा आपको उपाय करना है कि आप हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी हनुमान चालीसा पढ़ें, बजरंग बाण का पाठ करें, ओम हनु हनुमते नमः का जाप करें। तो इस तरह के आप जाप करेंगे तो आपका राहु निश्चित ही, जो आपकी कुंडली में राहु खराब है, वो खराब फल देना बंद कर देगा। जी तो बिल्कुल, अगर आपके साथ भी ये समस्या चल रही है, परेशानी चल रही है, ससुराल पक्ष में बनती नहीं है या फिर किसी भी तरह से आप परेशान हैं, तो गुरुजी ने आपको उपाय भी बताए, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या है तो अपनी कुंडली का अवलोकन सबसे पहले करवाएं, उसके बाद आप ये उपाय करें। दर्शकों लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, परेशानी है, प्रसारण के दौरान आप बात नहीं कर पाए, नंबर लगातार व्यस्त जा रहे थे, बात नहीं हो पाई है, तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप इन नंबर्स को नोट कर लीजिए। गुरुजी से आप कार्यक्रम के बाद भी बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आज के माध्यम से भी आप अपने जीवन की तमाम समस्याएं, तमाम परेशानियों का समाधान पा सकते हैं। कार्यक्रम में वक्त हो चला है आप सभी को अलविदा कहने का, लेकिन उससे पहले गुरुजी आप स्टूडियो में, दर्शक जो भी अपने जीवन से परेशान है, जीवन में तमाम तरह की समस्याएं चल रही हैं, उनकी तमाम समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी बेटा, जय माता दी भक्तों। तो बिल्कुल दर्शकों, आज के विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय पर नई चर्चा के साथ। जय माता दी। मेरा काम बिल्कुल खत्म हो गया था, आप यकीन नहीं मानो, मैं ऑस्ट्रेलिया से इंडिया वापसी जाने के लिए तैयार हो गया था। मेरी बिटिया ने कहा, पापा मैं इतने दिन से प्रोग्राम देख रही हूँ, एक बार मेरा कहना मानकर तो देखो। और मैंने अपनी बिटिया का नाम माना और मैं आज गुरु जी से ये अंगूठी लेकर आया हूँ। भाई भगवान जानता है मेरा इतना बढ़िया काम चल गया ना, मैं तो शुक्रगुजार हूँ गुरु जी का और अपनी इस बिटिया का। पापा अब तो मेरा कहना मान गए ना। बिल्कुल बेटा बिल्कुल।